तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थ्री टाइप्स के स्कीमा होते हैं, व्यू और एक्सटर्नल स्कीमा, लॉजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल और इंटरनल स्कीमा। तो स्कीमा के बेसिस पे डीबीएमएस का जो आर्किटेक्चर है डिज़ाइन किया गया है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर अभी हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, और ये किस टाइप का आर्किटेक्चर है? डेटाबेस थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। डेटाबेस का थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है जिसमें थ्री लेवल्स में डेटाबेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, क्यों ऐसे सेपरेट किया गया है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। तो ये डेटाबेस आर्किटेक्चर क्यों बनाया गया थ्री लेवल स्कीमा का? क्योंकि जिससे क्या हो कि जो यूज़र की एप्लीकेशन है, जो यूज़र एप्लीकेशंस को एक्सेस करने वाला है, उसे ये ना पता चले कि इंटरनली डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। फिजिकल डेटाबेस से उसे कोई मतलब नहीं है, वो जो भी फ्रंट एंड पे वर्क कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे जो वर्क कर रहा है, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट कर पाए। हमें पता है कि एक्सटर्नल लेवल पे क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं। तो यूज़र से क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड किया जाता है। सिमिलरली कंसेप्चुअल लेवल पे क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, उनको ये नहीं पता होता है कि इंटरनली डेटाबेस जो है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ये उनसे हाइड किया जाता है। फिर हमने क्या किया, यूज़र से प्रोग्रामिंग हाइड की है और प्रोग्रामर से इंटरनल स्टोरेज कैसे हो रहा है डेटाबेस का, वो हाइड किया है। तो अगर तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सब अपना अपना काम जो है ईजीली कर पाएंगे। ठीक है, यूज़र को ये नहीं पता होगा कि डेटाबेस में कैसे एंट्री हो रही है, अगर उसको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो एक्सटर्नल लेवल पे करेगा और ये प्रोग्रामिंग लेवल पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और प्रोग्रामर जो कंसेप्चुअल लेवल पे चेंजेस करेगा वो इंटरनल डेटाबेस में चेंज ना हो पाए। द डेटाबेस डिवाइडेड इंटू थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस का ये थ्री स्कीमा थ्री लेवल का आर्किटेक्चर है जिसे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें एक्सटर्नल लेवल होती है जिसपे क्या होते हैं, यूज़र्स और क्लाइंट्स होते हैं जो स्क्रीन पे वर्क करते हैं। फिर आता है कंसेप्चुअल लेवल, जहाँ पर प्रोग्रामर्स जो हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। और इंटरनल लेवल पे क्या होता है, फिजिकली जो डेटा है वो किस टाइप से स्टोर होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सटर्नल लेवल पे व्यू और एक्सटर्नल स्कीमा यूज़ होता है, कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा यूज़ होता है, इंटरनल लेवल पे फिजिकल और इंटरनल स्कीमा यूज़ होता है। तो ये थ्री लेवल का आर्किटेक्चर है डेटाबेस का। अब यहाँ पर एक टर्म हम और यूज़ करते हैं, मैपिंग। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग यहाँ पर वर्क करती है एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में, और कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग वर्क करती है बिटवीन कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, जो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरनल लेवल, या कह सकते हो उसको फिजिकल लेवल भी बोल सकते हो, या इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल लेवल पे किसका यूज़ होता है, इंटरनल स्कीमा का या फिजिकल स्कीमा का यूज़ होता है। दी इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो इंटरनल लेवल पे क्या वर्क करता है, इंटरनल स्कीमा होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है कि फिजिकली हमारा डेटाबेस जो है वो कैसे स्टोर होगा कंप्यूटर पे। तो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर शो करता है इंटरनल स्कीमा इस लेवल पर। इंटरनल स्कीमा इज़ वेरी लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस। यहाँ पर लो लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्यों? क्योंकि इंटरनली जो डेटा है वो बाइट्स के फॉर्म में या गीगाबाइट्स के फॉर्म में कैसे शो हो रहा है, या टेराबाइट्स के फॉर्म में कैसे मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए ये सबसे लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की। इंटरनल स्कीमा हेल्प्स टू कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस। तो मैंने आपको बताया था कि दो व्यूज होते हैं, एक होता है लॉजिकल व्यू और एक होता है फिजिकल व्यू। तो जो इंटरनल स्कीमा है वो क्या बताता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर डेटाबेस, कि एक्चुअली मेमोरी में हमारा डेटाबेस का जो डेटा है वो कैसे जाके स्टोर होगा, लाइक द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ द डेटा ऑन द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या बताता है इंटरनल स्कीमा, कि एक्चुअली जो डेटा है डेटाबेस का वो कैसे जाके डिस्क में रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होता है।
इंटरनल लेवल यूजेस द फिजिकल डेटा मॉडल. मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डेटा मॉडल्स पढ़ा चुकी हूँ, तो इंटरनल लेवल पे कौन सा डेटा मॉडल यूज होता है? फिजिकल डेटा मॉडल. इंटरनल और फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस इन डिटेल. तो यहाँ पर इंटरनल और फिजिकल लेवल में क्या होता है, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है डेटा बेस का, लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर. लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर मतलब बाइट्स के फॉर्म में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है उसको डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है. देयर इज़ ओनली वन इंटरनल स्कीमा पर डेटा बेस. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंटरनल स्कीमा जो डेटा बेस का होगा वो एक ही होता है. ठीक है, हमने तीन लेवल देखे थे ना, इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल. तो इसमें इंटरनल लेवल पे जो इंटरनल स्कीमा होगा डेटा बेस का वो सिंगल ही होगा. नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल भी बोल सकते हो, और कंसेप्चुअल स्कीमा का भी डिस्क्रिप्शन यही रहेगा. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल. कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटा बेस. कंसेप्चुअल स्कीमा जो है पूरे डेटा बेस का स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब उसके उसमें क्या एंटिटीज़ होंगी डेटा बेस में, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, उनमें क्या एट्रीब्यूट्स रखने हैं, क्या कॉन्स्टेंट्स रखने हैं, वो सब यहाँ डिफाइन किए जाते हैं. कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन द डेटा बेस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग डेटा. तो कौन सा डेटा डेटा बेस में स्टोर होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, और उन डेटा में क्या किस टाइप की रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है. इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स आर हिडन एट कंसेप्चुअल लेवल. इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मतलब कि डेटा जाके मेमोरी में कैसे स्टोर होगा ये हाइड किया जाए. प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट दिस लेवल. तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है, वो इस लेवल पे वर्क करते हैं. इट फोकसेस ऑन एंटिटीज देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप टुगेदर विथ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. तो इस लेवल पे डेटाबेस में क्या एंटिटीज़ यूज़ होनी है, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, और क्या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स उसमें यूज़ होंगे, यहाँ पर उस पर फोकस दिया जाता है. लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल लेवल कम्स बिटवीन द यूज़र लेवल एंड फिजिकल स्टोरेज व्यू. जो लॉजिकल लेवल है वो मिडिल में आती है, किसके, यूज़र लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल और फिजिकल स्टोरेज व्यू मतलब इंटरनल लेवल के. देयर इज़ ओनली वन कंसेप्चुअल व्यू ऑफ ए सिंगल डेटा बेस. यहाँ पर भी डेटा बेस का एक ही कंसेप्चुअल व्यू होता है, जैसे इंटरनल व्यू भी सिंगल होता है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्कीमा और एक्सटर्नल लेवल. एट एक्सटर्नल लेवल अ डेटा बेस कंटेन्स सेवरल स्कीमास यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटा बेस. अब मैंने आपको बताया था इंटरनल व्यू एक होता है, कंसेप्चुअल व्यू एक होता है, बट जो इंटरनल एक्सटर्नल व्यू है, तो एक्सटर्नल व्यू मल्टीपल्स होते हैं, यानी एक्सटर्नल लेवल पे मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटा बेस. यानी हर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको व्यू प्रोवाइड किया जाता है. जैसे सपोज़ करो कि अगर एक कॉलेज की हम बात करें, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स को जो डेटाबेस दिखाया जाएगा उसमें सिर्फ क्या होंगी, उसके यूज़ की फील्ड, जैसे उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका सेमेस्टर, उसके ब्रांच, उसकी अटेंडेंस. तो अकाउंट डिपार्टमेंट को कुछ और व्यू दिखाया जाएगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट का डेटाबेस है सिर्फ वही दिखाया जाएगा. ऐसे ही फैकल्टी को डिफरेंट व्यू दिखाया जाएगा. तो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको डेटाबेस के डिफरेंट व्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. एन एक्सटर्नल व्यू और व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस इन विच स्पेसिफिक यूज़र इज इंटरेस्टेड इन. तो एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल स्कीमा या व्यू स्कीमा में सिर्फ पार्ट ऑफ द डेटाबेस स्पेसिफिक यूज़र को दिखाया जाता है, पूरा डेटाबेस नहीं दिखाया जाता है. जो उसके इंटरेस्ट का है सिर्फ वही पार्ट उसको डेटाबेस का दिखाया जाता है. एक्सटर्नल स्कीमा हाइड्स द अनरिलेटेड डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूज़र. तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है, जो उसके उससे रिलेटेड, उस यूज़र से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, जो डिटेल उससे रिलेटेड नहीं है, उसको हाइड कर दिया जाता है. तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, तो जो फर्स्ट लेवल होता है वो एक्सटर्नल और व्यू लेवल होता है. यहाँ पर कौन वर्क करते हैं, यूज़र्स. अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI एंड एंटर द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, यूज़र जो है वो सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब मेनूज, आइकन्स जो बने रहते हैं,
लिस्ट बनी रहती है ना, लेबल्स टेक्स्ट, इनके थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डिटेल्स को एंटर करता है स्क्रीन पर. यूज़र इज़ अनअवेयर ऑफ दी हाउ डेटा इज़ स्टोर्ड. डेटा कैसे जाके मेमोरी में स्टोर होगा ये से नहीं पता होता है. फिर नेक्स्ट कंसेप्चुअल लेवल पे कौन करते हैं, प्रोग्रामर्स वर्क करते हैं. तो प्रोग्रामर वर्क एट दिस लेवल्स, और वो क्या यूज़ करते हैं कि कौन सी फील्ड्स रहेंगी डेटाबेस की, क्या डेटा टाइप्स रहेंगे उनके, उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, क्या कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पर प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं. और फिजिकल लेवल पे क्या होता है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन हिडन फ्रॉम यूज़र एंड प्रोग्रामर. तो फिजिकल लेवल क्या करता है कि कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा ये इन्फॉर्मेशन यूज़र और प्रोग्रामर दोनों से हाइड करता है. रिकॉर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, बाइट्स, गीगाबाइट्स, ईटीसी इन मेमोरी. यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड्स डेटाबेस में स्टोर होने वाले हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इन दी फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज. यानी कितने बाइट्स का डेटा इसको चाहिए, कितने गीगाबाइट्स का डेटा इसको मेमोरी में चाहिए, उस रिकॉर्ड को उस फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है. सिस्टम यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, मैपिंग. तो मैपिंग क्या करता है, क्या है DBMS के आर्किटेक्चर में 3 levels हैं. तो एक लेवल जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करेगी वो किस में स्टोर होनी होगी, सेकेंड लेवल पे जाएगी, और सेकेंड लेवल से किस में जाएगी, थर्ड लेवल पे. तो इन लेवल्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे होगा, ये मैपिंग से पता चलता है. तो जैसे एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग किसके बीच में वर्क करेगी, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल के बीच में. तो मैपिंग क्या करता है, यूज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन वेरियस डेटाबेस लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर. तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल. इट इज़ नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल. तो ये एक्सटर्नल मैपिंग का यहाँ पर क्या यूज़ होता है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल लेवल की जो भी रिक्वेस्ट है वो किसे प्रोवाइड करता है, कंसेप्चुअल लेवल को. या हम कह सकते हैं कि ईच एक्सटर्नल स्कीमा इज रिलेटेड टू द कंसेप्चुअल स्कीमा बाय एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग. जो एक्सटर्नल स्कीमा है, जो मल्टीपल एक्सटर्नल स्कीमास हैं, वो कंसेप्चुअल स्कीमा से कैसे रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग. हियर देयर इज ए मैपिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर लॉजिकल रिकॉर्ड इन द एक्सटर्नल व्यू टू वन और मोर कंसेप्चुअल रिकॉर्ड इन द कंसेप्चुअल व्यू. यहाँ पर क्या होता है, लॉजिकल रिकॉर्ड जो होगा एक्सटर्नल व्यू का, वो एक या एक से ज़्यादा कंसेप्चुअल रिकॉर्ड से रिलेट हो सकता है. रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किसके बिटवीन होता है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में. नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग. तो ये किसके बीच में वर्क करती है, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच में. तो कंसेप्चुअल स्कीमा इज रिलेटेड टू इंटरनल स्कीमा बाय कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. जो कंसेप्चुअल स्कीमा में जो रिकॉर्ड्स प्रोग्रामर ने बनाए हैं, वो इंटरनल स्टोरेज, उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल स्टोरेज में रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, उन दोनों की रिलेशनशिप को कौन शो करता है, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. दिस मैपिंग स्पेसिफाई द मैथड ऑफ डिराइविंग द कंसेप्चुअल रिकॉर्ड फ्रॉम फिजिकल डेटाबेस. जो कंसेप्चुअल मैपिंग है वो हमें एक मैथड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम फिजिकल डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करके किस में ला सकते हैं, कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स में.